और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। उनका निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, मुक्त नया गाता हूँ। यह देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अपने 5 दशक के लंबे राजनीतिक सफर में अटल जी की पहचान अजात शत्रु की रही। वे हमेशा पक्ष विपक्ष सहमति असहमति से ऊपर बने रहे और अटल जी सभी के दिलों में अपनी अमिट छाप को छोड़ने में सफल रहे। न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। और जब देश हित की जरूरत, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा संगठन बड़ा, लोकतंत्र बड़ा कि मेरा दल बड़ा, लोकतंत्र बढ़ा कि मेरा नेतृत्व बढ़ा, इसका जब कसौटी का समय आया तो ये दीर्घदृष्टा नेतृत्व का सामर्थ्य था, उसने लोकतंत्र को प्राथमिकता दी, दल को आहूत कर दिया। एक कुशल राजनीतिज्ञ, एक कवि, एक पत्रकार और एक प्रखर वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के कई पहलू थे जिन्हें देश ने उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देखा और महसूस किया। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दिल्ली स्थित समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।